दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमन जोशी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडी जोशी व्लॉग्स में। दोस्तों मैं अभी परंदा गांव में हूँ, जो मेरा गांव है यमकेश्वर ब्लॉक के अंदर पड़ता है और ये काफ़ी बड़ा गांव है हमारा। तो यहाँ पे मैं आपको अपने ताऊजी से मिलवाऊंगा, जो कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मतलब शुरू में उन्होंने बहुत संघर्ष से जीवन अपना वो है यापन कराया है और अब काफ़ी कुछ भगवान की दुआ से मतलब जोड़ लिया है उनका। मैं आपको जीवन का संघर्ष उनसे उन्हीं की जवानी सुनवाऊंगा और मिलते हैं अभी ताऊजी से और आपको भी मिलवाते हैं, चलो फिर। तो दोस्तों ये देखिए हमारा गांव परंदा, ऊपर से देखिए और नीचे हिमाल नदी दिखती है और ताऊजी से मिलते हैं। ताऊजी प्रणाम। ताऊजी आपन पहले दिल्ली में नौकरी कर, कितना समय तक कर आपन नौकरी? ज्यादा नहीं सर, चार पाँच साल रहा। अच्छा, 4-5 साल। क्या चीज़ में? ये प्रेस में भी था। अच्छा, ये नारायणा में। अच्छा नारायणा में, प्रिंटिंग प्रेस। हाँ जी, वहाँ से छोड़ के मैं बस गांव आ गया। गांव आ गए तो अब आजकल आपने पोस्ट ऑफिस में जॉब है आपकी? हाँ। अच्छा, तो दोस्तों पहले तो पोस्ट ऑफिस में मतलब इतनी सैलरी तो होनी है ना आजकल, और तो मीना और फेसबुक में भी आकर और मैं उन भी दिखना चाहूँ, लाइव टेलीकास्ट भी दिखना चाहूँ कि ट्रैक्टर रह गया, गाड़ी रह गया, जो आजकल के हिसाब से शहर में होना चाहना वह हिसाब से आपने बहुत मेहनत को और शुरू भी। ठीक है, शौक भी है। अच्छा, लेना शौक था तो मैंने ले लिया। बस बाकी तो 7 वर्ष ले लिया, जैसे शौक आया जब मशीन हल बैल से नहीं लगाना है ट्रैक्टर ले लो। अच्छा, जानना कि पहले बैल उल होन चाहिए तो बैल से लगन चाहे? हाँ, तो हाँ तो यूँ जो नए ट्रैक्टर है इंसान उसे हल बढ़िया लग जान। हाँ ठीक लगे, फर्स्ट क्लास लगना चाहिए, खाली थोड़ा बहुत जो जब ज्यादा जो कठोर जमीन हुई। हाँ। पैर पैर नहीं चलो। अच्छा, पैर पैर नहीं चल दो। शुरू शुरू में तो पैर मुलायम जगह चलान पड़ो लो जैसे कि वो ठीक चल पाए। अच्छा, उसके बाद तुम उसको झामर जी खोलो उससे। अच्छा, तो ये मैं डीजल लग जाए ना ज्यादा? पेट्रोल से का तो डीजल लग लो लगवा पेट्रोल लीटर में आपका लगा लो तुम की बीघा, हमारे यहाँ बीघा नहीं होता, हमारे यहाँ खेत होते हैं क्योंकि सीढ़ी नुमा खेत है हमारे यहाँ। हाँ, सीढ़ी नुमा खेत है। जैसे लगा लो 4-5 खेत। 4-5 खेत। अच्छा, 1 लीटर में लगा देते हैं। आज मीन पर्सी पर जाकर आप छिड़काव भी करना चाहे तो छिड़काव मशीन भी लगी आप? हाँ, तो ये जैसे अब बरसात में मलेरिया का डर रहता है। हाँ जी, तो ये हो जाते मच्छर। हाँ जी, कीटनाशक जो है उसकी दवाई छिड़काव कर देता हूँ। हाँ जी, अब सबको मिल रखे वैसे वो छिड़काव के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी है। हाँ जी, लेकिन मैंने थोड़ा सा छिड़काव किया अपने अपने इलाके घर के नजदीक। हाँ जी, हाँ जी, उसमें थोड़ा छिड़काव किया डीडी पाउडर का। अच्छा, तो ताऊ जी आजकल मैं दिखना चाहूँ कि आप कंप्यूटर भी सीखना था और उन तो आपने पहले भी बहुत कुछ सीख, जन गाड़ी हो गया, मुसुक बाजा हो गया, हर चीज़ आज तो आप तई मतलब जे उम्र पर आप था तो कंप्यूटर आप तो सीख अभी आ गया कि नहीं आया? नहीं, थोड़ा परेशानी जो है। हाँ जी, उन थोड़ा कम भी कम आता है मेरे को थोड़ा, क्योंकि थोड़ा उम्र का भी लिया जाए। अच्छा, फिर पहाड़ का रहने वाले हैं, पहाड़ में रह के थोड़ा सा बुद्धि का विकास भी कम ही होता है। अच्छा, क्योंकि सीमित है। हाँ, बाहर के ज्यादा नहीं, बाजार में हो बाहर के रहे तो वहाँ कंप्यूटर कहीं भी लगा दे सीख सकते हैं, गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, इसलिए दूर जाना पड़ता है, नाली खाल पोखाल। अच्छा, वहाँ के लिए ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाते हो आप? हाँ, हफ्ता में 2-3 दिन। हाँ, हफ्ता में 2 दिन 1 दिन, जैसे टाइम लिया वैसे वैसे चले जाते। तो दोस्तों देख रहे हो आप इस समय भी इस उम्र में यहाँ पे ताऊ जी कंप्यूटर सीख रहे हैं और जो सीखने की उम्र है वो कभी खत्म नहीं होती, तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, तो आपने गाड़ी कितने साल में सीख? मेरा काफी साल हो गया। अच्छा, 2005 बेटी का? 2005। अच्छा, 2005 बेटी है? अच्छा, वैसे पैर बेटी ठीक ठीक अच्छा ताऊ जी आजकल परंदगा में खेती होती कनू ना जन आप हल उल लगाना आप ट्रैक्टर से वहाँ से मतलब खेती होती में थोड़ा फर्क पड़ना वाल? हाँ, थोड़ा खेती तो बेटा कम हो गई है। अच्छा, क्योंकि बंदर ज्यादा हो गए, सुअर हो गए।
इत्यादि जानवर, एक हिरन हो गया, ये क्या कहते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया, ये सारा ये जो है ना बहुत जो थोड़ा बहुत होता भी है उसको ये खत्म कर देते हैं। पहले तो बरसात के अलावा खेती कम होती है, बरसात के अलावा कम होती है, खाली बरसात में दाल बोई जाती है और बाकी खेती वैसे ही बंद रहे। अच्छा, मतलब जानवरों के कारण बंद है, नहीं तो करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जानवर। तो दोस्तों यही गांव है जहां पे उत्तराखंड के मशहूर हास्य कलाकार राजेश जोशी जी का गांव है, और वहीं पे हमारे ताऊ जी भी किसी कलाकार से कम नहीं है, ये भी उन्हीं के साथ उन्हीं के मित्र हैं। ताऊ जी बताओ, आप उनके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। राजेश जोशी तो हमारे साथ पहले भी बचपन में भी हम दोस्त थे, जब छोटे थे यहाँ गाँव में रहते थे। अब वो जो है फिल्म स्टूडियो में चले गए हैं, बहुत बड़ा कलाकार हैं। हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए तो बहुत सम्मान की बात है। सम्मान की बात है कि हमारे गांव का नाम रोशन हो रहा है। और एक मुख्य हास्य कलाकार में है। हाँ जी, ये नहीं है कि हास्य कलाकार, मुख्य हास्य कलाकार है। हाँ जी, जिनका नाम पहले आता है और गूगल पे सर्च करने से आता है फटाक से। और जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे राजेश जोशी, आपको जो है उसके विषय में पूरी जानकारी हो जाएगी। वो ग्राम परंदा से एम के सर ब्लॉक से बिलोंग रखते हैं और पहले गाँव से ही है। उनके अभी परिवार के कुछ चाचा बाटा और गाँव में भी रहते हैं। अच्छा, जैसे वो आप उनके मतलब बचपन में उनके साथ में रहे थे, तो मतलब पहले से कॉमेडी करते थे वो? कॉमेडी क्या करते थे वो, तो बहुत ऐसा था ना कि अभी कुछ बोल दिया अभी उसी पे वो कविता बना देता था, डायलॉग मार देता था। वो हाथ से हाथ नीचे करके ऊपर टांग रहे, बहुत दूर तक चला जाता था। अच्छा, इधर दिखाओ, इधर पानी पेड़ दिख रहा है, यहाँ यहाँ चला जाता था गाँव से। ओ, डिग्गी के पास, डिग्गी के पास चला। अच्छा, चाहे वो नीचे तो बहुत दूर तक चला जाता था। अच्छा अच्छा, खड़ा रह जाता था एक हाथ ही हाथ में। अच्छा, एक ही हाथ में। हाँ, ऐसे हाथ ऊपर ऊपर हाथ नीचे करके बहुत देर तक खड़ा चल भी लेता था। वो तो बहुत कलाकार है उसको। आप अन्नी कौर मतलब फिल्म इंडस्ट्री में मतलब कोशिश? अब तो फिल्म में तो हम घर पर रह गया तो वो जाने का मौका ही नहीं मिल भी। जनकि आप मतलब शुरू पीटे हर चीज सीखना, मतलब आप माँ वो जो क्या शक्ति से मतलब हर चीज सीखना की इच्छा से। समय समय के अंदर घर में रहना पड़ गया। अब नौकरी भी जरूरी थी। धन मतलब आप कोई भी चुटकुला मार देता, एक फेस हो ना फेस सही मतलब हंसी है जान कहते भी। हाँ, ये बात से बोला कि उसका बल कपड़ा नहीं पहरे ठंड में, जब देखा कि मुख्यमंत्री बदलेगे उत्तराखंड में। तो ये बात हुआ। तो बाकी राजेश जोशी से हमारा भी हमारे यूट्यूब चैनल भी लेकिन हमारों से होता है कि नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उनको तुम्हारे चैनल द्वारा जो है कि हमारा भी दर्शन उनके साथ हो जाए, मिलन हो जाए, क्या पता बात भी हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल होगी। तो ताऊ जी आजकल न्यूज माँ और फेसबुक में इंडिया का पूर्णगिरी चना था ना? अरे बेटा उसका नाम तो मत ले भाई। अच्छा, इनके बात है? नहीं, उसका नाम मत ले तू, ये सारे पूर्णानंद नहीं है, ये जो है क्या कहते उसके लिए इसका नाम तो दूसरा होना चाहिए इसके नाम। हाँ जी, क्या नाम हो जाने? वो एक नाम तो मूर्खानंद। अच्छा, बहुत भराम है इसका नाम ही, मतलब तुम जवान में ही मतलब इसका नाम, ये तो बहुत मूर्ख आदमी है। एक नाम आप मूर्खानंद? ये मूर्खानंद। अच्छा, क्या कह रहे हैं? इसका नाम मूर्खानंद। हाँ, बिल्कुल मूर्खानंद है ये। अच्छा, एकदम मूर्खानंद। इसका नाम लेना भी जवान में जो है पाप है। अच्छा, इसने ब्राह्मणों के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है वो गलत है। देखो, आप किसी के विषय में नहीं कह सकते, किसी का आप नहीं कर सकते ऐसा प्रचार। और फिर प्रचार क्या कि मतलब भाषा ऐसा बोल रहा है कि जो कि नहीं है, इसको ये शोभने नहीं है, इसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, इसको क्षमा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए इसको सजा होनी चाहिए और होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।